इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। और आज क्या हुआ, ऑडियंस कह रही थी कि हमें ऑडियंस टिकट खरीदने पहली सुबह से पहले पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनको ये मैच देखना था। और आज का मैच तो इतना रोमांचक होने वाला है कि इंडिया के बॉयज़ और पाकिस्तान की गर्ल्स के बीच में ही मैच होगा। देखेंगे कौन जीतेगा, या तो हम जीतेंगे या जो पाकिस्तान से सौभी आई है वो जीतेगी। तो एंड तक देखना, मज़ा आएगा आपको। जल्दी से हाथ में पॉपकॉर्न ले लो और देखते हैं कौन जीतेगा ये मैच। तो यहाँ पर पहली बॉल काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं, नवीन बॉल रखा है यहाँ पे, आज बॉलिंग थोड़ी टीम चेंज रखी, नहीं भास्कर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। दिखा पहले नवीन रहते, भास्कर रख दिया, ये चाल चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चाल बड़ी कामयाब हुई और इनको सिर्फ 3 रन मिलेंगे पहली बॉल 3 रन के साथ। यहाँ पर भास्कर कह रहे हैं थोड़ा जल्दी खेल लो। तो यहाँ पर नवीन, यहाँ पे बॉलर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कौन से बॉल रखे। तो फाइनली नवीन को चॉइस किया, क्या नवीन के साथ कौन सी स्काई ब्लू कलर का इंडिकेटर लिया है, क्या इनको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं क्या देख रहा हूँ, स्टेडियम के आराम से सीमा रेखा के पार सिक्स जाता हुआ, तो काफ़ी अच्छी शॉट थी ये, बहुत बढ़िया शॉट ली। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई पाकिस्तान की गर्ल्स की तरफ से, जो सौभिया खेल रही है। तो यहाँ पे स्लो बॉल रखी है भास्कर ने, क्या ये स्लो बॉल पे लगाएगी, तो स्लो बॉल पे भी 4 आया फाइनली। तो हम क्या करेंगे, ओवर द विकेट जाते हैं, क्योंकि राउंड द विकेट में सफलता नहीं मिल रही, क्या पता ओवर द विकेट में मिल जाए। तो मैं अब राजेश दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं राजेश नहीं रखूँगा, मैं बॉलर चेंज करूँगा, या तो नवीन लूँगा, नहीं मैं भास्कर लूँगा, भास्कर इज़ वेरी गुड प्लेयर। अब यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो गया 4 3 2 1। तो भास्कर यहाँ पे फुल पेस रख रहे हैं, फुल पेस। यहाँ पे देखेंगे क्या यॉर्कर, तो यॉर्कर इतनी अच्छी कि ये समझ ही नहीं पाए बॉल। तो यहाँ पर 4 बॉलों में 13 रन हो चुके हैं, क्या होगा अभी, 2 आखिरी की बॉल बची है, ये 6 बॉलों है, कोई भी मत छोड़ के जाना, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड तक रिजल्ट देखना कौन जीतता है। आखिर की बॉल मीडियम पेस रखी है, क्या ये विकेट जाएगी, तो फाइनली यहाँ पे विकेट उड़ा डाली, 2 की 2 विकेट उड़ गई और बची सिर्फ सिंगल विकेट। सौभिया भी हैरान है, ये हुआ क्या मेरे साथ। तो यहाँ पे जो इंडिया को टारगेट मिले सिर्फ 13 रन का मिला, क्या ये जीत पाएगी या हार जाएगी मैच, क्या रहेगी बॉलिंग। तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या सोच रहा है, बॉलिंग किस तरीके से देगा। तो यहाँ पे सुहास ने बॉलिंग सुहास की तरफ रखी थी, और बट यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट प्ले खेला केन ने, बड़े आराम से डिफेंसिव खेल दिया। अगर ये शॉट लगाई होती ना, तो या तो आउट होता या विकेट जाती आसानी से। तो यहाँ पे समझदारी के साथ डिफेंस करना पसंद किया केन ने। तो यहाँ पे अभी 10 रन चाहिए 5 बॉलों में, ईजी है रन बनाना, लेकिन इस पे थोड़ा समझ के शॉट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस बॉल पे तो फाइनली दूसरी बॉल पे 6 लगा दिया, अब 9 रन, अब जीतने के लिए सिर्फ 4 रन और चाहिए, वो भी 4 बॉलों में। एक एक रन करके भी लेंगे ना मैच जीत जाएंगे। तो यहाँ पे इस पे भी डिफेंस शॉट, लेकिन ये फाइनली फील्डर पकड़ लेगा, तो 3 रन आई थिंक इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर अब 12 रन हो चुके हैं, अब तो फाइनली ये मैच इंडिया के हाथ में आ चुका है, तो इसको अब नहीं कुछ कह सकते। तो यहाँ पर अगर इन्होंने शॉट खेल दी होती ना, वो इनकी बस एक कमी थी, इन्होंने शॉट नहीं खेली, इन्होंने पहले अपने बल्ले को चला दिया और ये समझ नहीं पाई, तभी इनकी विकेट चली गई थी। तो यहाँ पर लो वाइड टाई हो गया अब तो बिल्कुल, 13-13। देखते हैं 3 बॉलों में 1 रन चाहिए नहीं चाहिए, क्या ये 3 बॉलों में 1 रन आएगा या विकेट जाएगी। लेकिन जब हम खेल रहे हैं तो रन आएगा ही आएगा, विकेट तो जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे फाइनली 4 मिल गया और फाइनली ये मैच जीत गए। तो इसी के साथ आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, और लाइक कम से कम 50 लाइक तो होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ओके बाय।